बॉयकॉट करने बोल रहे दोनों पिक्चर को, किसको? लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को। क्यों? पता ही नहीं, कुछ पुराने इंटरव्यूज की वजह से। भाई अभी ऐसा है कि लोगों को बस मुद्दे चाहिए होते हैं, किसी भी पुराने गड़े हुए मुर्दे जो कहते हैं ना, पढ़ के लाओ। आज पता है जिस तरह का टाइम है, आई थिंक जितना खुश रहो उतना बेटर है यार। उसने तो ये निकालो, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। देखो हर इंसान का ना मूड हर बार सही नहीं होता, तो हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। कोई ऐसा इंसान तो है नहीं कि जो बोले यार मैं परफेक्ट हूँ, मैंने कभी गलती करी नहीं। सो आई थिंक थोड़ा सा वो गलत लगता है मुझे, बिकॉज क्या है, एक फिल्म बनाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। फिर वो आमिर सर हों, अक्षय सर हों, दे ऑल वर्क सो हार्ड। और हम ऐसे ही बोलते हैं कि बैन कर देंगे, आएंगे नहीं, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, एंड देर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी। कल मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था कि एक सिंगर जो है बांग्लादेश में, उसको अरेस्ट किया था क्योंकि वो बेसुरा गाता है। मैं चाहता हूँ मुंबई पुलिस भी ऐसा कुछ बहुत जल्दी करे कि जितने बेसुरे गा रहे हैं। दांत में दर्द हो रहा है। अरे रुक जा भाई, अरे सीरियस, क्या बात है राहुल भाई, राहुल भाई, राहुल भाई, आराम से, आराम से, आराम से, ये साइड आ जाओ राहुल भाई, आराम से, आराम से आने दो, आराम से। कैसा लगा गाना आप लोगों को? बढ़िया बढ़िया, बस भाई सबको आने दो, भाई भाई आप राहुल भाई सेंटर सेंटर, राहुल भाई यहाँ पे आ, राहुल भाई सेंटर सेंटर, राहुल भाई सेंटर में नहीं देखा, राहुल भाई यहाँ पे देखो, सेंटर में तो देखा, राहुल भाई यहाँ पे, अरे इधर आ जा, यहाँ पे राहुल भाई, यहाँ पे सेंटर ले ले और ले, ठीक है भाई, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, चलेगा चलेगा, सर के पास आए, आप लोग दांत तो ठीक है सबके, माइक करो जरा, इनका माइक कहीं और दर्द हो रहा है, क्या किधर हो रहा है, भाई को बाद में बात करेंगे, सब कट हो जाएगा, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, झलक दिखाना, झलक दिखाना मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मेरे ऑलरेडी शोज हैं, आई लव दैट शो, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा रिहर्सल लगती है, जो अभी फिलहाल मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई ऑलरेडी एज यू नो आई ट्रैवल अलॉट, शोज बहुत होते हैं, अभी इतनी सारी वेडिंग्स हैं, कॉर्पोरेट हैं, कॉलेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक आई हैव द टाइम टू डेलर निकला जा, बट इट्स अ ग्रेट शो एंड आई लव द शो। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं उसमें, मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रहा कि एक ही रिव्यू हुई है, आई थिंक निया जा रही है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट, कुछ बढ़िया सा शो आया तो वो करेंगे, थैंक यू, गाना बड़ा अच्छा था, बताओ अभी मूवी आ रही है ना भाई, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन भी आ रही है, लेकिन सर उसको बैन करने के लिए बोल रहे सब लोग, बॉयकॉट करने बोल रहे दोनों पिक्चर को, किसको? लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को। क्यों? पता ही नहीं, कुछ पुराने इंटरव्यूज की वजह से। भाई अभी ऐसा है कि लोगों को बस मुद्दे चाहिए होते हैं, किसी भी पुराने गड़े हुए मुर्दे जो कहते हैं ना, पढ़ के लाओ। आज पता है जिस तरह का टाइम है, आई थिंक जितना खुश रहो उतना बेटर है यार। उसने तो ये निकालो, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। देखो हर इंसान का ना मूड हर बार सही नहीं होता है, तो हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। कोई ऐसा इंसान तो है नहीं कि जो बोले यार मैं परफेक्ट हूँ, मैंने कभी गलती करी नहीं। सो आई थिंक थोड़ा सा वो गलत लगता है मुझे, बिकॉज क्या है, एक फिल्म बनाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। फिर वो आमिर सर हों, अक्षय सर हों, दे ऑल वर्क सो हार्ड। और हम ऐसे ही बोलते हैं कि बैन कर देंगे, आएंगे नहीं, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, एंड देर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी। कल मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया था कि एक सिंगर जो है बांग्लादेश में, उसको अरेस्ट किया था क्योंकि वो बेसुरा गाता है। मैं चाहता हूँ मुंबई पुलिस भी ऐसा कुछ बहुत जल्दी करे कि जितने बेसुरे गा रहे हैं। थैंक यू भाई, चलो बाय बाय।